हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डुअ। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, अप्रॉक्सीमेट 62,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आप में से बहुत से लोगों ने इसका फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। वैसे इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई थी 31 मार्च तक, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि बाद में जो आपका रश होता है वो आपको ना वहाँ पे देखना पड़े और आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आइए सबसे पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से पोर्शन आपको करने हैं ताकि आपका स्कोर जो है वो उस लिमिट को क्रॉस कर सके, जिसके बाद आप उसके सेकेंड स्टेज में पहुंच सके, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका ये एग्जामिनेशन होगा वो दो पार्ट में होगा। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीन्स ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर आपका जो सेकेंड है, जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका 90 मिनट का ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 100 है, और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि जो इसका मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 40% लाना ही लाना है, ओबीसी को 30%, एससी को 30% और एसटी को भी 30% लाना है। मीन्स ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर कोई कैंडिडेट इतने परसेंटेज या इतने मार्क्स के नीचे वो लाता है तो उसकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सेकेंड राउंड जाने के लिए। तो इतने मार्क्स आपको लाने ही है, आपकी जो सी भी कैटेगरी है। अगर आप ओबीसी हो 30%, जनरल हो तो 40% और एससी एसटी हो तो आपको 30% लाने ही लाने हैं। तो ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो मैथमेटिक्स है इसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स है। ये फोर पोर्शन है आपके, और यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि ये 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही रहेगा। तो जैसा कि आप मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, इसमें नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, क्लॉक पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए होंगे, लेकिन ये सारे 10th लेवल तक के आएंगे, जो कि हम अभी आप जो चैनल है इसमें सारी ही जितने भी इनके शॉर्टकट्स वगैरह हैं सब कुछ आपको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, सारे चैप्टर को आप कवर करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उन्हीं को उठाएं। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसमें आपका एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजंस एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशंस हैं। यहाँ पे जो एसएससी वाले बच्चे हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, उन्हें थोड़ा सा ट्रेंड से हटना पड़ेगा। और जो बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं तो आपको बैंक की बुक वहाँ पे देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत डीप या बहुत वहाँ पे जैसे सिलॉजिज्म में कह लीजिए तो सम नॉट और नॉट सम ऐसे करके जो आपके आते हैं वो सब नहीं जाना, आपको सिंपल जो होते हैं आपको वही करना है। तो वो भी सिंपली आपको क्वेश्चन रखने हैं। और अगर आपको कोई बुक अवेलेबल नहीं हो पाती आपके एरिया में तो कोई नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर आप वहाँ पे क्लिक करिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक डालेंगे वो आपको इजीली अवेलेबल हो और नोटिफाई भी हो सके। फिर आपका जो थर्ड पार्ट है वो है जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मीन्स बायो है, ये आपका 10th स्टैंडर्ड तक आएगा, वो भी हम कवर करेंगे। और फिर जनरल अवेयरनेस है, तो इतने जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, इसमें उन्होंने सारा कुछ कवर कर दिया है। तो आपका सिंपली जो भी 3 महीने की जनरल अवेयरनेस है वो आपको ध्यान पे रखनी है, और कोई भी बुक जो मार्केट पे अवेलेबल हो या कोई भी अच्छी साइट हो जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ से जीके वगैरह इजिली अवेलेबल हो सकती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारा चैनल तो है ही है, हम इसमें भी सारे जो 4 टॉपिक्स हैं आपके, जो 4 आपके सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल कराएंगे। आपको सिंपली वही करना है जो मैंने बताया है कि बेल आइकन जरूर आप क्लिक करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डलती है तो आपको नोटिफाई जरूर हो सके। अब आ जाइए, जो लड़के ये फर्स्ट स्टेज पार करेंगे, इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा।
इसमें मेल कैंडिडेट्स को ये करना है कि 35 किलोग्राम का वेट जो है वो उन्हें उठाना है और 2 मिनट के अंदर 100 मीटर क्रॉस करना है, और इसके बाद उनका 1000 मीटर की रन भी करनी है जो कि उन्हें 4 मिनट से 15 सेकंड्स में कवर करनी है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20 किलोग्राम ऑफ वेट है, 100 मीटर उन्हें दौड़ना है उसे लेके 2 मिनट्स में, और उनका जो डिस्टेंस कवर करना है वो 1000 मीटर ही है जो कि 5 मिनट एंड 40 सेकंड में उन्हें कवर करना है। तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और मैं इसको एक चीज़ और बता दूं कि जितनी वैकेंसी है उसके 2 गुना बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे, 2 टाइम्स। तो ये आप समझ के चलिए कि अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैंडिडेट हैं उस कैटेगरी में, तो आप अगर वहाँ पे 45 से 50 नंबर भी आउट ऑफ 100 लाते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन मान के चलो, क्योंकि जिस चीज़ में भी स्किल टेस्ट है या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह है वहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है, क्योंकि तो बहुत से बच्चे इनमें बाहर हो जाते हैं। और नीचे एक नोट भी है जिसमें जो बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो उनके लिए क्या है कि वो इस एग्जामिनेशन को, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर होगा। तो आप जो हमारा चैनल है डूअर, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर वहाँ क्लिक करिएगा ताकि हम इसके आगे जो आपका सिलेबस कवर करेंगे तो आपको नोटिफाई होता रहे, और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा पोर्शन वहाँ छूट रहा है या कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टेक केयर, ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए।